क्या हो गया भाई? आप लोग जाओ यार, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इतना आगे तक आके हिम्मत ना हारो। हमारी मंजिल बहुत करीब है, हिम्मत करो। शाबाश, उठो, अब यहां से निकलते हैं। लुटेरे किसी वक्त भी आ सकते हैं। तुम लोग जाओ यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ये ना मेरे वजह से तुम लोग भी किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम लोग जाओ यार। इस वीरान जगह में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर यही बात है, हमें एक फैसला करना होगा। या तो हम सबको इसके साथ वापस जाना पड़ेगा, या फिर इसे यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? वो तो वापस चला गया। उसने बहादुरी दिखाई या बुजदिली, पता नहीं आगे हमारा क्या होगा दोस्तों। बहादुरी से बढ़ोगे तो मंजिल पाओगे। अगर जरा सा भी दिल में खौफ आया तो तुम्हारे बढ़ते हुए कदम तुम्हें वापस लेके जाएंगे। इसकी बात ठीक है, हमें हिम्मत करनी चाहिए। चलो दोस्तों। हाय, मुझे क्या पता था कि ये डंकी लगाना इतनी मुश्किल है। मर्द का दूसरा नाम हिम्मत है, भरोसा रखो और चलो चलो भाइयों। हाँ, हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। स्कूल के तो सुनते आ रहे हैं। किसी के पास पानी है? हाँ, थोड़ा सा मेरे पास है। यह पानी तो बहुत कम है, मुश्किल है इस रेगिस्तानी सफर के लिए काफी हो। चलो चलो, आगे आबादी है, शायद वहां पानी मिल जाए। मुझे नहीं लगता यहां दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान हो। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह कोई ना कोई जरिया जरूर बनाएगा इंशाल्लाह। चलो, थकावट बहुत हो गई है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए दोस्तों। नहीं, जितना जल्दी हो सके हमें ये रेगिस्तान पार करना होगा। उठो, यहाँ से जल्द निकलो, लुटेरे किसी वक्त भी आ सकते हैं। और ये ना हो हम पकड़े जाएं। हमें जल्दी से यहाँ कहीं आबादी में पहुंचना होगा, शाम से पहले। रेगिस्तान में रात नहीं रह सकते, एक तो गर्मी बहुत है और दूसरा यहाँ रात में कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू बहुत पाए जाते हैं। बिल्कुल, हमें अपना सफर जारी रखना है।
सुल्तान, अगर हमें खाने के लिए कुछ ना मिला तो इंग्लिश मूवीज की तरह हमें भी कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे। शदीद प्यास लगी है और पानी भी खत्म हो गया यार, तेज तेज चलो। यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा, हमें इस पहाड़ी से जाना होगा। चलो आओ। चलो चलो। सुल्तान, इस इतने बड़े रेगिस्तान में इतनी बड़ी हवेली किसकी हो सकती है? मूसा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो सुल्तान, अंदर चल के देखते हैं। चलो चलो दोस्तों। सुल्तान, ताज्जुब की बात है कि इस इतने बड़े रेगिस्तान में इतना आलीशान महल किसका हो सकता है? वेलकम सर। यह महल किसका है और इतना शानदार महल, वो भी इस रेगिस्तान में? मुझे तो एक ख्वाब लगता है। यह कोई महल नहीं, यह एक होटल है जो कि सैयाहों के लिए बनाया गया है। क्या हमें रूम सर्विस मिल सकती है? जी जी जरूर, अंदर रिसेप्शन पर चले जाएं। सर रिसेप्शन यहाँ पर है। थैंक यू। How can I help you, sir? We needed room service for one night. Sir, how much room you needed? Only 3 rooms. Okay, sir. 3 kamre to le liye, lekin inka rent kitna hoga? Sir, don't worry. Hum free of cost room service provide karte hain. Dosto, main to kehta hu 10-15 din ye stay karte hain. Mahol kafi mast hai. Agar kisi ne baithne ke liye jagah de di, wahan pe letna nahi chahiye. Exactly. सर मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। यस सर। आसिम, इनको रूम नंबर 302, 3 और 4 दिखाओ। सर 302, 3 और 4 दिखाऊं? चलिए सर।
बाकी के रूम 303 और 4 जो है ना वो खुले हुए हैं। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? जी सर, हमारे पास हर किस्म का मेन्यू अवेलेबल है। आराम के लिए जगह काफी अच्छी है, पिछले कई दिनों से मैं नहीं सोया। आप लोग अपना सामान रखें, फ्रेश होकर पार्टी इंजॉय करें। सुल्तान, इतने बड़े होटल में तमाम सर्विसेज फ्री हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आम खाओ, पेड़ ना गिनो, चलो पार्टी इंजॉय करते हैं। लेट्स गो टू द डांस फ्लोर। या सॉरी सर, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया हूँ, यहाँ का एक रूल है, रात 12 बजे के बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये क्या बात हुई? ये हमारे देवताओं का हुक्म है। देवताओं से मुराद? हम अपने मालिक को देवता बोलते हैं। बॉयज, आप लोग एंजॉय करो, मैं मोबाइल चार्ज पर लगा कर आ गया। सुल्तान, सुल्तान, अरे बीरू, तुम यहां कैसे? तुम तो वापस चले गए थे। मैं तो वापस जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम लोग जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? बहुत अच्छा किया तुमने। सिकंदर, सिकंदर, ये देखो बीरू भी आ गया। बीरू, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? मैं यहाँ से गुजर रहा था, लाइट्स नजर आई तो मैं भी अंदर आ गया। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम भी तुम्हारी तरह आए। अच्छा किया बीरू तुम भी आ गए, हमें तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। एक तो लाइट का बहुत मसला चल रहा है हर जगह। Hmm.
साइम, हमें रिसेप्शन पे कंप्लेन करनी चाहिए। सही है जी सर। इस होटल का मैनेजर कौन है? खैरियत है, हमें मैनेजर से मिलना है। अभी मिलवा देते हैं। जब्बार जी सर। सर ये आपसे मिलने आए हैं। कमिंग। जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। सर आपके रूम नंबर 302 में कुछ मसला है, हमारा लड़का काफी डर गया है। 302? 302 में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, शायद आपके लड़के को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हो सकती, वो काफी डरा हुआ था। इधर तो कुछ भी नहीं है। हाँ यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मसला है? तो कुछ भी नहीं है। फिर वो क्यों डरा हुआ था? आपने बुलाया सर? यस। इन मेहमानों को क्या मसला पेश आया है? अगर ये यहां से चले गए तो हम अपने देवताओं को क्या जवाब देंगे? हाँ, दूसरी बात, इनमें से किसी को रूम नंबर 49 का तो नहीं पता? नहीं सर, सिवाय इनके रूम्स के हमने इनको और कोई जगह नहीं दिखाई है। गुड। अवेलेबल स्टाफ में कितने बंदे हैं? सर एक लड़का छुट्टी पर है। हाँ हैदर से मैं पूछता हूँ, मैं उसे बुला के लाता हूँ। मैनेजर साहब पूछ रहे हैं तुमने रूम नंबर 49 का तो किसी को नहीं बताया। नहीं नहीं, मैंने तो किसी को रूम नंबर 49 का नहीं बताया। चले ठीक है, सब अपना अपना काम करें। हमने सारी जगह छान ली लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद ज्यादा सफर करने की या थकावट की वजह से इसे कोई गलत फहमी हो गई हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। गया है मेरा दीवाना यार, एक तो इस रेगिस्तान में मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है। हाय
गाइस 12 बज गए हैं और उन लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दी है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे मैंने सुना है यहाँ पे कोई भूत पर रहते हैं जो के लोगों को डराते हैं। अब हमें आराम करना चाहिए। चलो उठो अपने अपने कमरे में चलते हैं। मैं तो अकेले कमरे में नहीं सोऊंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सुल्तान, मैं तो कहता हूँ आज रात इसके साथ ठहर जाओ यार। तो मैं भी तो देखूं इस कमरे में ऐसा क्या है। चलो। कौन है यहाँ पे? मुझे आके डराओ। डर गया। क्या मुसीबत है यार। एक तो लाइट भी नहीं और इंटरनेट भी नहीं। रात कैसे गुजरेगी? ये लाइट कैसे आ गई? स्टाफ तो कह रहा था सुबह तक लाइट नहीं आएगी। कमाल हो गया। चलो कोई मेमोरी सेव कर लेता हूँ। अरे यार, इस रेगिस्तान में भी हमें रहने के लिए जगह मिल गई। काफी बड़ा रूम है यार। LED भी लगी हुई है भाई। आराम करेंगे यार, मैं भी काफी थक गया हूँ। यार क्या सुकून मिला है। यार थके हुए थे यार। यार काफी कठिन मुश्किल रास्ता है यार। अंधेरे में नाना कितना मुश्किल है।
नहीं, दरवाजा खोलो, सिकंदर दरवाजा खोलो, अंदर कोई है। मुसा, सर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इन लोगों ने मुझे कई सालों से यहाँ बंद किया हुआ है। मुझे बचाओ। तुम कौन हो? मैं इस होटल का मालिक हूँ। इन लोगों ने मुझे कई सालों से यहाँ पर बंद किया हुआ है। खुदा के लिए मुझे आजाद कर दो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आओ मेरे पीछे। Oh!
कुछ आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आवाज आ रही। मुझे चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे नींद आई है यार, सोने दो। मूसा, मूसा, अगर ये सब कुछ तुम कर रहे हो तो मत करो मेरे भाई। तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मूसा मत करो मेरे भाई। ये खून कैसा? सुल्तान, 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 इसने किया ये। सुल्तान, तुम कौन है? किसने किया? सुल्तान, हाँ, सुल्तान, ये क्या था? सुल्तान, मूसा, मूसा। मूसा, मूसा, कहाँ हो मूसा तुम? मूसा, मूसा, मूसा कहाँ हो तुम? Ha 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 ha!
कुछ। सिकंदर साईं, साईं कमरे भी नहीं खुल रहे, ये क्या हो रहा है? कहाँ गए सर? सिकंदर सुल्तान कहाँ? तुम सब किधर चले गए? सुल्तान कहाँ मेरे दोस्तों? ये क्या है? ये क्या मजा है? चौधरी की राते आज हम अपने देवताओं को खुश करेंगे। समेट लूंगा और मैं मजीद शक्तिशाली हो जाऊंगा। नहीं 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 आका, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बन गया
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरा राज चलेगा। रिसेप्शन में देखता हूँ, यहाँ भी कोई नहीं, कहाँ गया था? यहाँ भी कोई नहीं, कहाँ गया सर? कहाँ गया सर? यहाँ भी कोई नहीं, मुझे कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? कहाँ सर? मुझे क्यों आवाज नहीं दे रहे कोई? ए सुल्तान, सिकंदर, लगता है सब छोड़ के चले गए मुझे। ये क्या है? दरवाजा खोलो, दरवाजा निकालो मुझे यहां से, कोई मेरी मदद करो, कोई निकालो यहां मुझे। बेटा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कुछ पत्रुओं को, कुछ पत्रुओं को रोशनी से नफरत होती है, नफरत होती है, और कुछ को, कुछ को रोशनी पसंद होती है। सॉरी सर, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, यहाँ का एक रूल है, रात 12 बजे के बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। लाइट्स न बंद करना, लाइट्स न बंद करना, लाइट्स न बंद करना। कौन हो तुसी? कौन हो तुम? ओ कौन हो तुसी? ओ इत्थे की कर दे पे हो?
सुल्तान, सुल्तान, सिकंदर, सिकंदर, उठो, वीरू, साहिब, वीरू, साहिब, अली, अली, उठो, उठो अली। शुक्र है सलामत है। यहाँ एक होटल था, हम तो होटल में सोए थे। ये कैसे हो सकता है, हम यहाँ कैसे पहुंचे? होटल कहाँ गया? केड़ा होटल? हाँ साईं, लगता है तुम्हारे नाल राती जन्नत खेड़ गए। जन्नत? ओ बाबा साईं, ए रेगिस्तान जन्नत डेरे, इतो जितना जल्दी हो सके तो बचो। ओ बाबा सही मेंड जानवर। यानी रात को जो कुछ हुआ वो ख्वाब नहीं, हकीकत था? यकीनन, वो होटल, वो सब कुछ एक जन्नती असर था। जैसे कि उस शख्स ने कहा, यह रेगिस्तान जन्नत का गढ़ है। रात भी हमने काफी मुश्किलों में गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। अगर हमारी यहाँ दूसरी रात आ गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। अगर अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी है तो हमें वापस अपने प्यारों के पास जाना चाहिए। मैं तो पहले ही जाने के हक में नहीं था, और अब तो मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। तुम लोगों ने जाना है तो आओ, मैं तो जा रहा।